ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जब नए डायरेक्टर आता है तो क्या कुछ इनपुट आप देते हैं एज एन डायरेक्टर? आप खुद ऑलरेडी मूव कर चुके हैं. As an actor, I don't interfere in any director's work, not as an actor. But as a producer, where I've worked with new directors. Abhinav naye the, Abhishek Dogra naye the, main khud naya tha. So in my production, I have given breaks to 3 debutant directors, me included. So I have no problem with working with debutant people, directors, because they bring in a lot of excitement and energy. Particularly in our film, जो डायरेक्टर है वो भी डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, और डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स या जो जो लोग अपना करियर शुरू करते हैं उनके अंदर एक अलग किस्म का एक पैशन, एंथुजियाज्म और सिंसियरिटी होता है, एंड मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करने में, बिकॉज वो कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, उनके अंदर एनर्जी और उसमें एक्साइटमेंट बहुत है. अब वो चीज़ें कैसे मटीरियलाइज होती हैं या नहीं होती वो तो ऑडियंस के हाथ में है, लेकिन फिल्म के दौरान आपको यू नो यू आर इन गुड हैंड्स, बिकॉज दैट पर्सन इज 10 times more, his career is more at stake because she's established in her own way. I have had a career for like 20 years. अभी मुझे मेरी एक नरम गरम फिल्म से मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कल से मुझे कोई रोल मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. I'll get my work कि ये रोल अरबाज सूट करता है, बुला लो उसको. बट नए डायरेक्टर को बहुत फ़र्क पड़ता है, जब उसका पहली फिल्म नहीं चलेगी तो उसके करियर पे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. तो समटाइम्स वेरी गुड टू रिलाई और ट्रस्ट somebody and say, boss, you take the mantle. हम दोनों ने यही किया कि यार एक हमारे पास एक डायरेक्टर है जिसका करियर स्टेक पे है, उस वो जो जैसे बोलेगा हम कठपुतलियाँ हैं, हम वो ही करेंगे जो डायरेक्टर बोलता है. हाँ, कहीं किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर हमको लगे कि आर्ग्यू करने जैसा है या बात पे, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाते हैं. बट बाय एंड लार्ज वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस. एक्टिंग के मामले में आपका ये साल बहुत अच्छा था, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, आपकी फिल्में लगातार दो दो तीन तीन महीने में रिलीज हुई, सनी के साथ आपकी दो फिल्में, अभी दो और आएंगी, दो और आने वाली हैं. मतलब माइंड ब्लोइंग ईयर था और आने वाला साल भी आपका बहुत अच्छा है, जो फिल्में आपने शूट कर ली हो, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखो, बीच में मैंने बिकॉज आई टर्न प्रोड्यूसर दबंग से, फिर दबंग 2 ही, फिर डॉली की डोली, तो वो 3-4 साल का जो पीरियड था बिटवीन 2009 जहाँ शुरू हुई, 2010 में दबंग रिलीज हुई, टिल 2014 ये मैं अपनी फिल्म के प्रोडक्शन में बिजी था, तो मैंने एक्टिंग रोल्स मतलब ऑलमोस्ट लेना बंद भी कर दिए थे और मैं कर भी नहीं रहा था. उसके बाद मुझे हल्का सा ब्रेक मिला, मुझे मालूम था कि दबंग नेक्स्ट करने वाला हूँ, उसमें थोड़ा समय है. मैंने बोला यार ये समय यूज़ कैसे करूँ, आई होप अभी कोई वापस से काम आना शुरू हो जाए. आई वॉज़ लकी, मुझे काम आना शुरू हो गया, एक के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, तो आई केप माई सेल्फ बिजी एंड ऑक्यूपाइड. ना तो ये जो पीरियड होता है ना बिटवीन फिल्में शुरू करना, ये बड़ा मतलब डिप्रेसिंग होता है. अगर आप एज एन एक्टर आप बिजी रह चुके हो और फिर एज अ प्रोड्यूसर आपको 3-3 साल वेट करना पड़ता है, तो आई एम फॉर्चुनेट कि जब मैं फिल्म एज अ प्रोड्यूसर नहीं बनाता हूँ तो टचवुड मुझे एज एन एक्टर 2-3-4 रोल्स मिल जाते हैं जो मेरे साल चलाते हैं, यू नो, गाड़ी चलती रहती है. बट आप सीरियसली मत लेना इनके डायलॉग, इन्होंने मुझे भी बोला है. ऐसा नहीं, आई लव योर क्वेश्चन. डोंट गेट, अभी रात को ऐसे सोना, सोते वक्त सोचना मत कि सनी ने बोला आई लव यू. मेरे साथ भी हुआ था ये. फिर सुबह इन्होंने मुझे बोला कि वो इतना सीरियसली ले रहा है. अच्छा, मतलब मैं हूँ ना हो, आपने तैयार कर ही दिया उनको. हाँ, ये भी हो ना हो, मतलब आपने बोला आर यू रेडी, जैसे कि कंफर्म है. आपको पता है? चलो इसके ऊपर शर्त हो जी. अरे ऐसे मत करो. नो, ऐसे फिल्म को देखना. I would love to have her. Let's just put this matter straight. I'll make it easier. फिल्म को देखना. I will definitely. I am ready to watch it. अगर मैं उस फिल्म में हूँ या नहीं हूँ, that's, you know, in somebody else's hands. But we'll always that somebody remain, is here. we'll always remain friends. It's like, I would say it's a collective, collective decision. But you never know what happens in the future. And no matter what happens, I'd rather have my friendship with him than put pressure on him, say, oh, you have to put me in your film. But that's not what friends do, right? Yeah, so, but I would love to if there's an opportunity. Like I said, I kind of know that if she does the film, like, देखो जब मलाइका ने फिल्म की थी तब मलाइका को बहुत फ़ायदा हुआ था. करीना इतनी बड़ी स्टार होने के बाद भी आप बिलीव करोगे कि वो गाने करने से करीना को भी बहुत
recognition or fayda hua. So whoever does the film, and particularly her, if she does it, I want her, I feel that, you know, it should suit her. She should be, it should benefit her and all of that. So we have to work, I have to see कि क्या रिक्वायरमेंट है उस सिचुएशन की, वो गाने की, कि क्या कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उस सिचुएशन में, क्या किस किस्म का पर्सन वी वांट. आई रियली डोंट नो. वंस दैट हैपेंस, इफ सनी फिट्स द बिल, आई एम जस्ट गोना गो फॉर सनी. सो इट्स लाइक या सनी, देन यू डोंट रिफ्यूज. हां, आई एम नॉट, आई हैव ऑलरेडी सेड यस एंड आई एम फ्री. यू जस्ट हैव टू फीड मी. आई थिंक फिल्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कंट्री जो है ना, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. अगर किसी को किसी भी चीज़ पे इतराज है तो देर इज़ अ लॉफुल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. देर इज़, यू नो व्हाट आई मीन, इज़ लाइक एक पहली बात तो जैसे एक सेंसर बोर्ड है जो ऑलरेडी डिसाइड कर दे. आज तक कोई भी फिल्म मेरे नॉलेज में या किसी के भी नॉलेज में बिना सेंसर के तो रिलीज़ हुई नहीं है. वो डिसाइड करती है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करती है, सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बिलीव्स, जो भी है करके. तो वो एक वो बॉडी है जो एट द एंड, राइट रॉन्ग वट एवर इट इज़, दे डिसाइड. लेट देम डिसाइड फर्स्ट, लेट देम हैव अ इश्यू कि ये काटो, ये नहीं काटो, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो फिल्म मेकर्स फाइट विद दैट. हमको लड़ना पड़ता है कभी भी हमारी फिल्मों के साथ कि ये डायलॉग चाहिए या ये मोमेंट चाहिए या ये इमोशन चाहिए. वो बताते हैं कि क्यों नहीं, उनके रीजंस भी देते हैं वो क्यों नहीं आप दे सकते हैं. पहले तो वहाँ से निकलने दो. वहाँ से जब निकल जाएगी और वो अगर पास करते हैं कि उनको अलाउड है देख द फिल्म रिलीज़ करना, तो एक हमने जिसको अपॉइंट किया उसने अलाउ किया, तो आपके ऊपर प्रेरोगेटिव है कि आप देखना चाहते हो फिल्म तो देखो, नहीं देखना चाहते तो मत देखो. पहली बात तो ये. उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ों से शिकायतें हैं तो इस कंट्री में आप लॉ अपने हाथ में तो नहीं ले सकते ना. सिंपल बात ये है. अगर उसमें कुछ है भी, अगर से फॉर इंस्टेंस जो आपके वर्क नहीं करती, देर इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ, फाइट इट इन दैट. यू कॉन्ट टेक लॉ इन योर हैंड, यू कॉन्ट ब्रेक थिंग्स, यू कॉन्ट हर्ट पीपल, यू कॉन्ट, मतलब मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सनल फैमिली मेम्बर के साथ भी कोई अत्याचार करे या कोई मारे तो आपको तभी भी अलाउड नहीं कि आप जाके उनको मारो और बोलो कि भैया उसने मेरे फैमिली मेम्बर को मारा तो मैंने मार दिया. तो अभी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता. तभी भी कोर्ट करेगा ना कि यार उसने किया लेकिन आपने क्यों किया, आपको फिर भी सज़ा होगी. तो यू स्टिल हैव टू फाइट इट इन कोर्ट, यू स्टिल हैव टू फॉलो द लॉ वेदर यू लाइक इट और नॉट. आई डोंट थिंक वॉट इज़ हैपनिंग इज इन 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 द लॉफुल सिचुएशन. दैट्स माई ओनली थिंग. बट डू यू थिंक ये रिस्क लेना ज़रूरी है कि सेंसर बोर्ड में जाने से पहले पिक्चर करनी सेना को दिखाना सही रहेगा? आई डोंट नो. एंड व्हाट आर यू सेइंग एग्जैक्टली? मतलब उनका मामला, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको फिल्म दिखाना चाहिए, सेंसर बोर्ड में जाने से पहले फैसले होने चाहिए. वो पॉसिबल है. वो तो शायद उन्होंने, शायद उनको वही तो चक्कर है कि बिना आप देखे, बिना आपको आइडिया है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपने तो देखी भी नहीं है. और शायद जब फिल्म रेडी हो जाएगी तो आई थिंक दिखा भी सकते हैं. एज अ फिल्म मेकर, इफ आई फेल्ट के देयर वाज नथिंग, आई वुड शो द फिल्म कि भैया आपको इतराज़ है इस फिल्म से, आइए देखिए फिल्म, आपको किस चीज़ों का इतराज़ है. हमने तो, और अगर लाइक आई सेड, मे बी दे विल नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन, एंड इफ दे हैव एन ऑब्जेक्शन देन एज अ फिल्म मेकर यू स्टिल हैव द राइट टू से लिसन, आई एम स्टिल गोइंग अहेड विद द फिल्म और वट एवर इट इज, यू फाइट मी इन कोर्ट. वेल, कि हमारी फिल्म 13 इंतज़ार रिलीज़ होने वाली है 24 नवंबर को, एंड हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, इंटरेस्ट के साथ काम किया है. एक अलग किस्म की फिल्म है, थोड़ी सी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो एक स्पिरिट सुपरनेचुरल फॉर्म में भी चली जाती है मोमेंट्स के लिए. तो हम चाहते हैं कि जितना हमको इस फिल्म में काम करते हुए मज़ा आया, आपको देखने में मज़ा आया, तो आप प्लीज़ जाइए थिएटर्स में और फिल्म देखिए. Thank you. Bye.